फीसदी की बात की जाए तो वो हम आपको बता देते हैं आंकड़े किस तरह से है। अब तक आंवला में 43.6% वोटिंग हुई है, बरेली में 45.96% मतदान हुआ है, एटा में 48.10% वोटिंग हुई है, आगरा में 43.65% मतदान, तो वहीं फतेहपुर सीकरी में 46.18% वोटिंग हुई है। और इस तरह से यूपी की 10 सीट पर मतदान का प्रतिशत क्या है ये हम आपको अभी तक का आंकड़ा दे रहे हैं। अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो दूसरे चरण के मुकाबले तीसरे चरण में मतदान फीसदी में थोड़ा सुधार होता नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी बीच लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो कहां कहां पर मतदान हो रहा है यूपी में, ग्राफिक्स पर ये हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी फतेहपुर सीकरी 39.09% मतदान वहां पर अभी तक, फिरोजाबाद में 40% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, वहीं मैनपुरी में भी लगभग 40%, यहां 38.32% मतदान अब तक हुआ है। तो 1 बजे तक के ये आंकड़े इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। मामला बहुत ही रोचक है, जिन 10 सीट पर वोटिंग हो रही है उनमें पिछली दफा 2019 में 8 पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, इस बार अब उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में रिकॉर्ड हो रही है। और सीधे रुख करेंगे ग्राउंड जीरो का, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एटा से, हमारे साथ अमित गंजू जो लगातार ग्राउंड पर रहकर मतदान की कवरेज कर रहे हैं, मैनपुरी से प्रशांत कुमार हमारे साथ हैं और आगरा से शिव कुमार। सबसे पहले सीधे रुख करते हैं अमित गंजू का। अमित, जिस तरीके से एटा के मुकाबले को आप वहां पर देख रहे हैं, सुबह से मतदान है, 3 बजे तक का कितना वोटिंग परसेंटेज आया है और आपने तमाम लोगों से बात की है, कौन कौन से मुद्दों पर इस बार वोटिंग हो रही है? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गर्मी, तापमान भले ही 40 के पार है मगर लोगों का जोश कहीं से कम होता नहीं दिख रहा है। इस वक्त न्यूज 18 में आप देख सकते हैं कि माया देवी रामचंद्र आर्य जूनियर हाई स्कूल निधौली में है। जहां तक अगर वोटरों की बात की, देखिए वोटरों की जागरूकता देखिए कि लोग वोट कास्ट करके इतनी गर्मी में सब पहुंच रहे हैं। अगर इस सेंटर की बात की जाए तो यहां लगभग 6000 वोटर है जो पोलिंग सेंटर पे हम खड़े हैं, 6000 के आसपास है और अब तक 50% से ज्यादा लोग वोट कास्ट कर चुके हैं। क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या युवा, आदमी अपना इसकी जिम्मेदारी समझ रहा है लोकतंत्र के इस महापर्व। आंटी, आपने वोट डाला कि नहीं? वोट डाल दिया। अच्छा, क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ, यहाँ के मुद्दे क्या हैं खास? हम नहीं समझते। आप नहीं समझते, क्या मुद्दे हैं महिलाओं? हम नहीं समझते। आप भी नहीं समझते, आप बताइए क्या मुद्दे हैं? मेन मुद्दा है देश का भविष्य तय होता है, ये वोट देना हमारा मताधिकार है। बहुत अच्छी बात। और ये हमारे देश को आगे ले जाने का भी काम करता है। अच्छा, दूसरा ये है कि विकास और बेरोजगारी मेन मुद्दा है। विकास सर, आप बताइए क्या मुद्दे हैं इस एटा की, अगर हम बात की जाए क्या है सर? अगर एटा की बात किया तो एटा का तो अभी विकास हो रहा है जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, और हाँ विकास हुआ है। और अभी जो मेन जो है वो ये जो रेलवे लाइन, जो ये रेलवे ट्रैक है जो एटा का, वो आगरा से मतलब जुड़ना चाहिए और अलीगढ़ वगैरह से भी, ताकि एक जंक्शन बने और आना जाना हो जंक्शन में। मैम आप आधी आबादी क्या सोचती, मैम प्लीज थोड़ा सा आ गया, आप हंस रही है, कुछ कहना चाह रही है, आप भी बोलिए, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, बताइए क्या सच चल रहा है, कैसे देख रहे हैं, क्या मुद्दे? ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर विकास के मुद्दे पर और अलग अलग मुद्दों पर लोग मतदान कर रहे हैं। मैनपुरी का रुख कर लेते हैं, प्रशांत कुमार हमारे सहयोगी वहां से मौजूद है। मैनपुरी जहां पर 7 लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता, 3 उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने जीता, और इस तरह से मैनपुरी जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़, और यहां से इस वक्त डिंपल यादव सांसद है जिन्होंने पिछला उपचुनाव जीता था। प्रशांत, यहां के लोग यादव परिवार से नजदीकी, मुलायम सिंह यादव के परिवार से संबंध, उसी के आधार पर वोट कास्ट कर रहे हैं या मुद्दे कुछ और भी हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ लगातार मतदान चल रहा है और परसेंटेज भी धूप के हिसाब से ठीक है, क्योंकि कड़ाके की धूप में 45 के लगभग टेम्परेचर है, 40 से 45 डिग्री यहाँ टेम्परेचर है, लेकिन बावजूद मतदाता निकल के आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता भी मौजूद है, क्या नाम है आपका? अच्छा रुद्र जी, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, क्या लग रहा है आपकी बार, किन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया है? मुद्दों को लेकर क्या, समाजवादी पार्टी का तो जो गढ़ बना है परिवारवाद के ऊपर है, गढ़ तो एग्जॉस्ट हो गया इस समय, आप जिस तरीके से चुनाव पड़ रहे हैं आपकी समझ में आ रहा है, गढ़ तो ध्वस्त हो गया है, फिर बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? राष्ट्र को लेकर, आने वाले अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर।
शिव कुमार के पास रुक करेंगे। प्रशांत, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। शिव कुमार, आगरा की बात करें या फतेहपुर सीकरी की बात करें, ये जो पूरी बेल्ट है, इस बेल्ट में किस तरीके से वोटिंग हो रही है और क्या ग्राउंड पर जानकारियां मिल पा रही हैं आपको? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वोटर्स में काफी उत्साह है। अगर आगरा में बात की जाए तो आगरा में 3 बजे तक 43.65% मतदान हो चुका है। युवा हो या फिर महिला हो, तमाम लोग जो वोटर्स हैं वो वोट डालने आ रहे हैं। भीषण गर्मी है लेकिन उसके बाद भी यहाँ तमाम मतदाता है वो वोट नकाश करने आ रहे हैं। सर, वोट करें? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? अपने विकास के लिए करा विकास के लिए। तो देखिए, ये विकास के लिए वोट कर रहे हैं, तमाम और हैं उनसे ही बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? रेहाना। और मैम, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान कर रहे हैं? जी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करके आए हैं, वोट कास्ट करके आए हैं? अच्छा, आप बताइए सर, किन मुद्दों को लेकर मुद्दा बताएंगे? बिल्कुल, देखिए तो युवा हो या फिर महिला हो या फिर बुजुर्ग हो, तमाम लोग जो है यहाँ मतदान करने में लगे हुए हैं। और गर्मी की बात की जाए तो भीषण गर्मी है लेकिन उसके बावजूद भी जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ रहा है। और वहीं चुनाव आयोग जिस तरीके से लगातार जो अपनी जनता से अपील कर रहा है, वोटर से अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि एक चीज विशेष बात यह है कि सुबह की जब समय की बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर भीड़ काफी संख्या में थी लेकिन जैसे जैसे गर्मी होती गई तो वोटर्स का आना कम हुआ। लेकिन अब फिर दोबारा से जैसे शाम होती जा रही है तो कहीं ना कहीं वोटर्स का जो उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है फिर दोबारा से, और वोट कास्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये मैं एक समय पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है तमाम जो वोटर्स है वो आना शुरू हो गया है उनका, और जैसे ही टेम्परेचर कम हो रहा है, गर्मी से लोगों को राहत थोड़ी मिल रही है, तो अब कतार बढ़ने लगी है मतदाताओं की। बरेली से विशाल सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बरेली का हाल भी बताएं कि वहां पर मतदाताओं में कौन कौन से मुद्दे इस बार चर्चा में हैं जिनके आधार पर मतदान हो रहा है और उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, इस समय बरेली के तहसील कार्यालय भवन पर जो एक पिंक बूथ बनाया गया है महिलाओं के, दिव्यांगों के, युवाओं के लिए। मैं आपको बता दूं, देखिए किस तरह से प्रशासन ने सजावट की है और पिंक बूथ बनाया गया है, साथ ही एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। लोग अपना वोट डाल के आ रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। हम जो सेल्फी ले रहे हैं उनसे जानेंगे कि वो क्या मुद्दों पर उन्होंने वोट किया और क्या कहना चाहेंगे। ये बताइए, क्या कहेंगे? वोट डाल के आए? मैं क्या कहूँ सर, बहुत सी दिक्कतें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं। एक तो काफी चीजें हैं जो सरकार को सोचनी चाहिए। क्या मुद्दे हैं, क्या सोच? मैं बता भी तो नहीं सकती कैसे मुद्दे, काफी चीजें हैं सर। आपने किन मुद्दों पर वोट किया? मैंने ये सोचा कि सरकार को थोड़ी सी चीजें, महंगाई वगैरह ये सब चीजें थोड़ी कम कर देनी चाहिए, और जो भी गरीब लोग हैं उनकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही जिन लोगों को। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानेंगे। वोट किया आपने, किन मुद्दों पर वोट किया, क्या कहेंगे? सर, वोट हमने दिया है ये आर्थिक स्थिति मजबूत करने के, भाईचारा के लिए, और जो भी बरेली में रोजगार हो, जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं सबको काम मिले, सबकी स्थिति अच्छी हो, सड़कें वगैरह जो भी हैं, अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं जैसे बैठ के विचार किया जाएगा उन सबके लिए। आप एक महिला है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि इस टाइम जो सरकार हमारे लिए काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और उसी के अधीन मैं यहाँ वोट डालने आई हूँ, और भी अच्छा करे। थोड़ी महंगाई को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम है और बाकी तो मुझे सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, और महिलाओं के लिए जो इतना अच्छा रोजगार दिया है, सारा काम करा है, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन बस थोड़ा महंगाई के लेके अगर सरकार सोचे तो और अच्छा जाएगा। देखिए, ये हमारे साथ कुछ मतदाता थे जिनका ये कहना है कि सरकार काम अच्छा करी लेकिन अगर महंगाई के बारे में भी सोचे तो और ज्यादा अच्छा होगा। साथ साथ इसके यहाँ का जो मेन मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है जिस पर